इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्चिंग एलिमेंट इन अ लिंक्ड लिस्ट, मतलब एलिमेंट को कैसे सर्च कर सकते हो आप लिंक्ड लिस्ट में। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि एलिमेंट को अगर आपको सर्च करना है लिंक्ड लिस्ट में तो आपके पास क्या होना चाहिए, स्टार्ट का एड्रेस होना चाहिए। पहली चीज़ ये तो है ही, मतलब जो भी हम फंक्शन वगैरह बनाएंगे उसको स्टार्ट का एड्रेस पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई फंक्शन की बात, वो अपन थोड़ी देर बात करेंगे। पहले अपन बात करते हैं कि अपन क्या स्ट्रैटेजी ले सकते हैं किसी एलिमेंट को अगर लिंक्ड लिस्ट में सर्च करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये होगी कि जैसे हमारे पास यहाँ पे तीन नोड्स हैं, तो इन तीनों नोड्स में जैसे फर्स्ट वाला नोड जिसके अंदर 10 है डेटा, दूसरा जो है उसके अंदर 20, तीसरे के अंदर 30। तो हम क्या करने वाले हैं, जैसे मान लो हमें कोई डेटा दे देगा कि भाई ये डेटा आपको मिला है, आप इसको सर्च करके बताओ कि ये लिंक्ड लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं है। तो तीन केस है आपके पास, पहला कि या तो लिंक्ड लिस्ट के अंदर वो डेटा मिल जाएगा या फिर लिंक्ड लिस्ट के अंदर वो डेटा नहीं मिलेगा, और तीसरा केस कि लिंक्ड लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती है, मतलब स्टार्ट में नल होगा, तो उस केस को हम बोलेंगे कि लिंक्ड लिस्ट में नोड नहीं है। ठीक है, अभी अपन ये मान रहे हैं कि अभी लिंक्ड लिस्ट एग्जिस्ट करती है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास स्टार्ट का एड्रेस है, तो स्टार्ट का एड्रेस है तो हम इससे पहले एलिमेंट पे जाएंगे। सो जैसे कि मैं सबसे पहले वाले नोड पे पहुंचा, तो इस नोड पे अगर आप देखोगे तो इसका डेटा है 10। अब मान लो मुझे कोई यूजर डेटा देगा, उसको मुझे सर्च करना है, तो मैं उस डेटा से इस डेटा को मैच कर लूंगा। तो अगर वो डेटा और ये डेटा मैच करेगा तो मैं क्या करूंगा कि इसकी जो पोजीशन होगी वो मैं रिटर्न कर दूंगा, या फिर ये भी बोल सकते हो ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर दो। बट हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमें अगर डेटा मिलेगा तो हम उस नोड की पोजीशन बताएंगे, जैसे ये फर्स्ट नोड हो गया, ये सेकंड नोड हो गया, थर्ड हो गया, इस तरीके से हम नोड की पोजीशन रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो अगर मान लो कि यूजर 40 देता है, तो अब ये इसका डेटा जो 10 है ये 40 से मैच नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे अगले वाले नोड पर जाएंगे, अगले नोड का डेटा मैच करेंगे, तो अगले नोड का डेटा 20 है, देन वो भी मैच नहीं कर रहा तो अगले वाले पे जाएंगे। इस तरीके से नोड टू नोड ट्रैवर्स करते जाएंगे। अब मान लो ये लास्ट वाले नोड पे पहुंचे तो ये भी मैच नहीं कर रहा है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, सिंपल अगर हमें नोड नहीं मिलता है तो हम रिटर्न करा देंगे -1। ठीक है, दूसरा केस अगर हम स्टार्ट को चेक करते हैं सबसे पहले और स्टार्ट में नल होता है, तो उस केस में मतलब नोड एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ये तीनों नोड एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे 0। ठीक है, तो दो केस तो ये हो गए। तीसरा केस ये है कि अगर आपको डेटा मिल जाए, सपोज 20 हम सर्च करते, तो हम पहले इस पे जाते फिर 20 पे जाते, तो अगर आप 20 पे गए तो आपको क्या हुआ, 20 यहाँ से मिल गया, तो अब 20 की पोजीशन क्या है, 1 एंड देन 2। ठीक है, तो आप उस 2 को कहीं पे स्टोर कर लेते और वो 2 आप इस फंक्शन से रिटर्न करा देते। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लिंक्ड लिस्ट को सर्च कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है ये, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब इसको अपन क्या करेंगे, एक फंक्शन के थ्रू समझेंगे कि हम एक पूरा फंक्शन बना देंगे, उस फंक्शन को क्या करेंगे हम मेन से कॉल कर सकते हैं, उसको सिंपल स्टार्ट के अंदर जो एड्रेस है वो दे देंगे, मतलब फर्स्ट नोड का एड्रेस जो है वो दे देंगे, और फिर उसके अकॉर्डिंग फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सर्चिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं सर्च नोड। ठीक है, वो फंक्शन क्या करने वाला है, वो फंक्शन स्टार्ट के अंदर जो एड्रेस है, दैट मीन्स फर्स्ट नोड का जो एड्रेस है वो लेने वाला है एज अ आर्ग्यूमेंट, एंड सर्च करके अगर वो नोड उसमें मिल जाता है लिंक्ड लिस्ट में तो उसकी पोजीशन रिटर्न करा देगा, दैट मीन्स रिटर्न टाइप यहाँ पे इंटीजर लिया हमने, और अगर वो नहीं मिलता है तो उस केस में -1 रिटर्न कराएगा, और अगर लिंक्ड लिस्ट में नोड ही नहीं है, दैट मीन्स स्टार्ट में अगर नल है, तो उस केस में यहाँ पे 0 रिटर्न होने वाला है। ठीक है, तो ये तीनों केसेस हम हैंडल करेंगे। अभी फंक्शन कॉल को आप देखो, फंक्शन कॉल इस तरीके से कुछ होगा जिसमें क्या होगा, सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो है स्टार्ट, दैट मीन्स स्टार्ट के अंदर जो एड्रेस है, जैसे 1000 है इस केस में, तो 1000 पास होगा इस फंक्शन को, और दूसरा जो है वो यहाँ पे डेटा होने वाला है जो डेटा आपको सर्च करना है। सो ये हमारा कंप्लीट फंक्शन सर्च नोड। अब ये फंक्शन को क्या करने वाले हैं, अपन एक आर्ग्यूमेंट देने वाले हैं, तो जब फंक्शन कॉल होगा तो हम इसको क्या करेंगे, स्टार्ट जैसे मैंने अभी बताया था, स्टार्ट के अंदर जो एड्रेस स्टोर्ड है वो पास करेंगे, दैट मीन्स ये जो पॉइंटर पी है ये क्या करेगा, उस स्टार्ट वाले एड्रेस को होल्ड कर लेगा। ठीक है, तो इसी के साथ अपन इसका करते हैं मेमोरी डायग्राम भी देखते जाते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो पाए। सो कुछ इस तरीके से मेमोरी में एक पी नाम का पॉइंटर बनेगा, और वो क्या करने वाला है, जो एड्रेस हम पास करेंगे, तो यहाँ से अगर स्टार्ट पास कर रहे हैं तो यहाँ पे 1000 आएगा, दैट मीन्स पी 1000 को स्टोर करेगा और उस एड्रेस वाले नोड को पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि दूसरा आर्ग्यूमेंट यहाँ पे है एक्स, दैट मीन्स यूजर से एक वैल्यू लेगा और उस वैल्यू को एज आर्ग्यूमेंट पास करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल पहली बार में हम ये मान के चलते हैं कि हम 20 को सर्च कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक्स जो लेंगे उसके अंदर 20 स्टोर करा देते हैं, दैट मीन्स एक्स के अंदर 20 है और हमें 20 को सर्च करना है इस लिंक लिस्ट में 20 प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, फंक्शन के अंदर जैसे ही हम आते हैं तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है इंट पोजिशन इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये जो मैंने लिया है POS, ये पोजिशन के लिए लिया है कि अगर हमें एलिमेंट मिलता है तो हम उसकी पोजिशन यहाँ पे रिटर्न करा पाए। इनिशियल वैल्यू 0 इसलिए लिए बिकॉज जब भी हम क्या करेंगे, एक नोड पे जाएंगे हम पोजिशन को 1 से बढ़ा देंगे, मतलब पहले वाले नोड पे गए तो पोजिशन 1, दूसरे नोड पे गए पोजिशन 2, तीसरे पे गए पोजिशन 3, इस तरीके से हम इसको इंक्रीज करते जाएंगे। अब उससे भी पहले एक केस हमारे पास ये था कि अगर पूरी लिंक लिस्ट खाली हो, दैट मीन्स नोड हो ही नहीं,
तो वो केस भी चेक करना पड़ेगा। उस केस में हमें क्या कराना है, रिटर्न कराना है जीरो। तो सबसे पहला केस यही बनता है कि पी के अंदर क्या है, दैट मीन्स पी के अंदर अगर नल है तो ये इफ वाली कंडीशन चेक होगी। अगर पी के अंदर नल है मतलब स्टार्ट के अंदर भी नल होगा तभी पी के अंदर नल आएगा, तो उस केस का मतलब ये हुआ कि लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती है, लिंक लिस्ट खाली है। तो उस केस में हम सिंपल यहाँ पर रिटर्न करा रहे हैं जीरो, ठीक है। तो इतना पार्ट आपको क्लियर हुआ। अब उसके बाद क्या होता है, अगर ये इफ फॉल्स है दैट मीन्स कि हम आगे मूव करेंगे, तो सबसे पहले ये वाइल लूप चलेगा। अब ये जो वाइल लूप है इसमें हमने कंडीशन दी है वाइल पी नॉट इक्वल टू नल, दैट मीन्स पी के अंदर जो एड्रेस है वो नल के बराबर नहीं है। अगर ऐसा केस होता है तो पहली बार अगर हम देखें तो पी में है 1000 जो कि नल नहीं है, तो ये वाइल ट्रू हो जाएगा। अब जैसे ही पहली बार में ये लूप चलेगा तो हम पोजीशन को कर देंगे प्लस प्लस, दैट मीन्स अभी पोजीशन में था जीरो अब पोजीशन में आ गया वन, इसका मतलब हम पहले नोड पे पहुंच गए। तो क्या हुआ, पी ऑलरेडी इसको पॉइंट कर ही रहा था, तो मतलब ये पहला नोड है। उसके बाद हमने ये चेक करा कि इस नोड का जो डेटा है दैट इज पी एरो डेटा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि पी का जो डेटा 10 है वो कंपेयर होगा एक्स के साथ, सो अभी एक्स क्या है 20, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। तो इस केस में क्या होगा कि हम ये रिटर्न स्टेटमेंट नहीं चलेगा, क्योंकि इफ के अंदर बाय डिफॉल्ट एक लाइन मानी जाती है, उसके कारण क्या होगा कि वो लाइन नहीं चलेगी और आगे हम मूव करेंगे पी इक्वल टू पी एरो नेक्स्ट। अब इससे क्या होगा, पी इक्वल टू पी एरो नेक्स्ट से पी जिसे पॉइंट कर रहा था उसका नेक्स्ट दैट मीन्स 2000 जो था वो पी के अंदर आ जाएगा। अब जो पी है वो सेकंड नोड को पॉइंट करने लगेगा, दैट मीन्स उसके अंदर 2000 स्टोर है। तो अब अगली बार जब ये लूप चलेगा, क्योंकि यहाँ से ये लूप इटरेट होगा, तो लूप इटरेट होगा फिर से कंडीशन चेक होगी पी नॉट इक्वल्स टू नल। तो अभी हम देखें तो पी के अंदर 2000 है और वो नल नहीं है, तो इस केस में भी क्या हुआ, वाइल ट्रू हो गया। फिर हम जैसे ही अंदर मूव करेंगे तो पोजीशन को फिर से प्लस प्लस कर देंगे। तो ऐसा करते हैं, पोजीशन भी अपन बना लेते हैं, ठीक है। तो ये पोजीशन है हमारा, इसमें अभी 1 था, अब ये प्लस प्लस के कारण ये हो जाएगा 2, दैट मीन्स इस वाले केस में हम इसको 2 कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो फिर ये चेक होगी। तो पी एरो डेटा डबल इक्वल्स टू एक्स, इसका मतलब क्या होगा, पी जिसे पॉइंट कर रहा है उसका डेटा जो कि 20, दैट मीन्स ये एक्स के बराबर है, तो यहाँ पे ये कंपैरिजन सक्सेसफुल हुआ। तो जब ये इफ ट्रू हुआ तो ये रिटर्न वाला स्टेटमेंट चलेगा, इफ के अंदर वाला रिटर्न पोजीशन। इससे क्या होगा कि जिस पोजीशन पे ये नोड है वो पोजीशन रिटर्न हो जाएगी। तो पोजीशन के अंदर क्या है, अभी 2 है, दैट मीन्स यहाँ से 2 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इसका मतलब ये है कि उधर जाके मेन में ये देखेंगे कि अगर कोई अदर देन 0 और 1 मिला तो वो क्या है, नोड की पोजीशन है। तो उसी के साथ हमें ये पता चलेगा कि लिंक लिस्ट में नोड एग्जिस्ट भी करता है और ये उसकी पोजीशन है, ठीक है। तो इतना समझ में आया। उसके बाद क्या होता है, अब मान लो कि एक्स के अंदर 20 नहीं होता, मान लो 40 होता, तो उस केस के लिए यहां तक तो लूप सेम चलता, ये फंक्शन पूरा इतना सेम काम करता। लेकिन इसके बाद क्या होता है, ये जब यहाँ पे ये इफ वाली जो कंडीशन थी, इस इफ कंडीशन में आके क्या देखता है, ये पी एरो डेटा डबल इक्वल्स टू एक्स, तो इसको ये फॉल्स देता। तो उस केस में फिर से हमारा पी अगले वाले नोड पे शिफ्ट हो जाता, दैट मीन्स अब हमारा जो पी था वो थर्ड नोड को पॉइंट करने लग जाता, ठीक है। फिर थर्ड नोड को जब ये पॉइंट करने लगेगा तो ये लूप एक बार फिर से ट्रेड करेगा। तो जब लूप फिर से ट्रेड करेगा फिर से कंडीशन चेक होगी पी नॉट इक्वल्स टू नल, तो उस केस में फिर से क्या होगा, पी नॉट इक्वल टू नल के कारण ट्रू हो जाएगा। देन उसके बाद फिर अंदर जाएंगे तो पोजीशन फिर से इंक्रीमेंट होगी। तो अभी पोजीशन की वैल्यू 2 थी, अब पोजीशन की वैल्यू हो जाएगी 3rd, बिकॉज ये 3rd नोड है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये इफ कंडीशन फिर से चेक होती। तो इफ पी एरो डेटा डबल इक्वल टू एक्स, तो मैं इसको डायरेक्टली समराइज कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या होता कि जो 30 था वो मैच होता एक्स के साथ विच इज 40, तो वहां पे फिर से फॉल्स मिलता। तो उसके बाद क्या होता कि ये इफ नहीं चलता, देन पी इक्वल टू पी एरो नेक्स्ट चलेगा। तो उस केस में क्या होगा, पी के अंदर क्या आ जाएगा, पी जिसको पॉइंट कर रहा है उस वाले नोड का नेक्स्ट में जो एड्रेस पड़ा है वो, तो अब इसके नेक्स्ट में क्या है, नल है, दैट मीन्स पी में आ जाएगा नल। अब इस केस में क्या होगा, पी किसी भी नोड को पॉइंट नहीं करेगा, ठीक है, लास्ट वाले नोड को पॉइंट कर रहा था अभी तक, अब छोड़ देगा। अब इस केस में क्या हुआ कि ये लूप फिर से एक बार इटरेट करेगा, जब ये लूप फिर से एक बार इटरेट करेगा फिर कंडीशन चेक होगी। तो जब कंडीशन चेक होगी वाइल पी नॉट इक्वल्स टू नल, इस बार कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि पी में नल है। तो उस केस में क्या होगा, ये पूरा जो वाइल लूप है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब यहां से सीधा आपका जो कंट्रोल है वो पहुंच जाएगा इस रिटर्न स्टेटमेंट पे और रिटर्न हो जाएगा -1। अब -1 रिटर्न हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि लिंक लिस्ट में हमें नोड नहीं मिला, जैसे 40 हम यहाँ पे सर्च कर रहे थे तो 40 हमें नहीं मिला, तो वो कैसे यहाँ पे हैंडल हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरा फंक्शन आपको समझ में आया। अब मैं इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करके बताता हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा ये फंक्शन किस तरीके से वर्क करेगा। सो ये मैंने यहाँ पे पूरा प्रोग्राम बनाया है, ये प्रोग्राम कुछ नहीं है, सिंपल प्रीवियस प्रोग्राम की तरह है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लें तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सिर्फ इसमें एक फंक्शन ही मैंने चेंज की है, वो है सर्चिंग की, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सर्चिंग फंक्शन बना दिया है, ऑलरेडी आपको ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके बताता हूँ। तो सबसे पहले ये बोल रहा है एंटर अ चॉइस, तो सपोज पहले मैं लिंक लिस्ट में डेटा ऐड करूंगा, तो मैंने 1 प्रेस किया, ठीक है। फिर मैं एलिमेंट ऐड करता हूँ,
तो ये 10 ऐड हो गया। अगली बार फिर मैं दूसरा एलिमेंट ऐड करता हूँ तो इस बार मैं 20 ऐड कर देता हूँ, ठीक है, तो 20 भी ऐड हो गया। अब मैं फिर से 30 ऐड करता हूँ तो फिर 1 प्रेस करूँगा, फिर मैंने 30 ऐड कर दिया। अब इस बार क्या करूँगा, मैंने जैसे अभी आपको दिखाया था 3 नोड है मेरे पास, तो ठीक है वही 3 नोड मैंने लिंक लिस्ट में ऐड कर दिए। अब मैं क्या करूँगा कि सर्चिंग करूँगा, तो मैं 2 प्रेस करता हूँ, ठीक है। पहली बार मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ जो डेटा एग्जिस्ट करता है। तो सपोज यहाँ पे 10 20 30 एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर मैं कोई भी इनमें से एलिमेंट देता हूँ, जैसे मैं 20 देता हूँ, तो ये मुझे उसकी पोजीशन रिटर्न करेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मिल रहा है आपको पोजीशन ऑफ डेटा इज 2, दैट मीन्स कि हमें लिंक लिस्ट में डेटा मिल गया है और उसकी पोजीशन 2 है, ठीक है। देन अब मैं अगली बार फिर सर्च करता हूँ तो फिर मैं इसको 2 देता हूँ। अब मैं एलिमेंट ऐसा सर्च करता हूँ जो उस लिंक लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है, फॉर एग्जाम्पल 40, तो उस केस में इसने बोल दिया नो मैच फाउंड। दैट मीन्स हमने मेन के अंदर इस तरीके से कोड लिख रखा है कि अगर उधर से रिटर्न होता है -1 या 0, तो उसको ये परफेक्टली हैंडल करे। -1 आया होगा तभी यहाँ पे नो मैच फाउंड प्रिंट हुआ, ठीक है। ये अभी मैं आपको कोड दिखा दूंगा। अब मैं फिर से डेटा ऐड करता हूँ, ठीक है। अब मैं ऐड करता हूँ 40, और अब मैं फिर से क्या करता हूँ, सर्च करता हूँ। तो अब मैं सर्च कर रहा हूँ 40। अब इस केस में 40 है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होना चाहिए, इस कंडीशन में हमें 40 बता देना चाहिए कि उसकी पोजीशन जो है 4 है। तो ये देखो आपको पता चल गया यहाँ पे पोजीशन ऑफ डेटा इज 4, दैट मीन्स कि ये जो प्रोग्राम है ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, जो हमने फंक्शन बनाया है वो हर केस को हैंडल कर पा रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 3 प्रेस करके इसको एग्जिट कर देता हूँ। सो इस पूरे कोड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको ये कोड वहां मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे आपको एक चीज जो स्पेशल है इसमें बता देता हूँ, जो कि प्रोग्राम में हमने चेंज किया है, ठीक है। तो ये जो एलसिफ है इसमें हमने चॉइस 2 जो दी है वो सर्चिंग के लिए दी है, ठीक है। यहाँ पे चॉइस 2 सर्चिंग के लिए, तो उस केस में हमने क्या किया, एक एलिमेंट लिया है एक्स, उस एलिमेंट के अंदर हमने यूजर से एंटर कराया है एक एलिमेंट जो यूजर सर्च करना चाहता है, तो वो जो एलिमेंट है वो एक्स में जाके स्टोर हो जाएगा स्कैनएफ की हेल्प से। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक इंट रिजल्ट लिया, ये रिजल्ट क्या है, ये रिजल्ट को हैंडल करेगा सर्च नोड जो रिटर्न करने वाला है वो वैल्यू। तो सर्च नोड को 2 आर्ग्यूमेंट दिए, पहला स्टार्ट दूसरा एक्स, ठीक है। अब जो रिजल्ट है यहाँ पे अगर वो -1 होता है तो उस केस में हम बोल देंगे नो मैच फाउंड, दैट मीन्स अगर उधर से -1 रिटर्न होता है तो इसका मतलब लिंक लिस्ट में डेटा नहीं है। दूसरा केस है कि अगर रिजल्ट में 0 हो तो उस केस में बोल देंगे नो नोड फाउंड, मतलब लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो स्टार्ट में नल होगा, उसी केस में 0 रिटर्न हुआ तो ये प्रिंट करा दिया। सो अब जो थर्ड केस है वो ये है कि हमें लिंक लिस्ट में डेटा मिला और उसकी पोजीशन वहां पे हमने फाइंड की और उसकी पोजीशन हमने रिटर्न कराई, तो वो थर्ड जो केस है वो यहाँ पे पोजीशन ही होने वाली है। तो उस केस में हमने क्या किया, पोजीशन ऑफ डेटा इज करके उस पोजीशन को प्रिंट करा दिया, ठीक है। बाकी पूरा प्रोग्राम आपका सेम है। सो आई होप आपको ये पूरा सर्चिंग का ऑपरेशन समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना है फ्यूचर में तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।